स्टार्ट करेंगे एक हाउस प्लान। तो चलिए इस प्लान को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो एक साइड का डिस्टेंस 27 फीट 0 इंच, ओके, और एक साइड में 35 फीट 1 इंच, ओके। तो इसके हिसाब से हम इस प्लान को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम आउटसाइड में जो वॉल है इसको हम धीरे धीरे हाईलाइट करेंगे ऐसे। तो हाईलाइट ऐसे करेंगे, ओके, उसके बाद ऐसे। और इसमें हमने टू रूम, इसका मतलब टू बेडरूम और किचन, डाइनिंग, ड्राइंग, स्टेयर सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया है। उसके साथ एक पोर्च एरिया भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो पोर्च जो है हमने फ्रंट में रखा है। उसके बाद यहाँ पर जो बिल्डिंग का प्लान है, यहाँ पर हमने डोर, विंडो और इसका फ्रंट में एक बैल्कनी भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। अगर आपको इस प्लान में कुछ चेंज या ऐड करना है तो आप इस प्लान को चेंज और ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आपको लगता है ऐड करना है या चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम इसका जो है विंडो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो पोजीशन यहाँ पर है हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ओके, ऐसे प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद इसका जो फ्रंट का जो बरामदा है ऐसे हम प्रोवाइड करेंगे इसका जो यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर जो पोर्च एरिया है ऐसे रहेगा यहाँ पर, तो पोर्च आएगा। तो चलिए इसको हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसका डिटेलिंग क्या क्या है इसमें, इसके अंदर। तो स्टार्टिंग में हम जो यहाँ पर है, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर पोर्च, ओके, यहाँ पर डोर। तो पूजा रूम, देखिए पोर्च के ऊपर आने के बाद यहाँ पर हम पूजा रूम का ऑप्शन ऐसे रखा है। यहाँ पर डोर, यहाँ पर लॉबी, यहाँ पर लैंडिंग, ओके, 3 फीट वाइड, 7 फीट 6 इंच वाइड, 4 फीट 3 इंच वाइड, 6 फीट 5 इंच वाइड, 11 फीट 10 इंच वाइड, ओके, और इधर 2 फीट 6 इंच वाइड। तो इसमें आपको पोर्च मिल जाएगा यहाँ पर 6 फीट 4 इंच एंड 5 फीट का डिस्टेंस का पोर्च मिलेगा। यहाँ पर ओपन किचन, ओके, यहाँ पर डाइनिंग, डाइनिंग रूम 10 फीट एंड 10 फीट 5 इंच डिस्टेंस का यहाँ पर जगह मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 8 फीट
6 फीट इतना तक। यहाँ पर देखिए हमने डाइनिंग टेबल, यहाँ पर बेसिन, यहाँ पर गैस स्टोव या ओवन यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है। यहाँ पर रहेगा हमारा डोर, ओके। उसके बाद यहाँ पर रहेगा डोर, यहाँ पर रहेगा डोर, यहाँ पर रहेगा डोर, ओके। तो यहाँ पर डोर यहाँ पर भी रहेगा जो है गेट। तो पोर्च के ऊपर आने के बाद पूजा रूम, इधर से स्टेयर, इधर चाप होगा, आने के बाद इतना तक आ जाएगा, इधर डाउन लेवल था, ठीक है। तो इधर टोटल जो डिस्टेंस है इधर 6 फीट। नेक्स्ट यहाँ पर ड्राइंग का जगह यहाँ पर रहेगा। तो इधर से डोर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, डोर इधर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक बैल्कनी 4 फीट 9 इंच वाइड, 11 फीट 0 इंच। तो इसका जो फ्रंट एलिवेशन है बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर जो जगह है 10 फीट 9 इंच और इधर रहेगा 11 फीट 0 इंच। उसके बाद यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर बाथ प्लस लैट्रिन। तो बेडरूम का 10 फीट 10 फीट 11 फीट 11 फीट डिस्टेंस रहेगा। यहाँ पर जो बात है 5 फीट 4 इंच और यहाँ पर 7 फीट का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसका जो देखिए यहाँ पर जो विंडो है इसको हम थोड़ा सा डेवलप करें। तो यहाँ पर साइड में चार्जर भी रहेगा 1 फीट 6 इंच वाइड का, अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्लान का जो एक्चुअल मेजरमेंट है कितना है देखिए 27 फीट x 35 फीट 1 इंच, ओके। तो इसका टोटल स्क्वायर फीट आएगा और इसका जो कॉलम है यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे इसका कॉलम। तो ऐसे हम यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड करेंगे, ओके, ऐसे इधर भी और इधर कॉलम प्रोवाइड करेंगे, इधर इधर और इधर। इधर डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए हमें इधर एक कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा, पोर्च के इधर भी एक कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। बाकी जो पोजीशन है आप कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो कॉलम है ट्वेल्व इंच का कॉलम मिलेगा और इधर जो वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका टोटल कॉस्ट या खर्चा कितना आएगा यहाँ पर, तो मिनिमम 15 लाख रुपीस यहाँ पर खर्चा आ जाएगा, ओके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।